नमस्कार, आपण देखुछन्ति आमरी ओडिसा, मु जागृति महांती। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय मतदान पूर्व पुणी लाल हमला। दांतेवाड़ा रे नक्सल आक्रमण रे दुई सुरक्षाकर्मी सहित प्राण हरायछन्ति डीडी न्यूज रो ओडिया कैमरामैन अच्युतानंद साहू। ए घटना परे अंचल रे जोरदार करा जायछि कॉम्बिंग। अच्युतानंदंकर मृत्यु परे तांकर गां बोलांगीर जिला लोईसिंघा घुसरामुंडा रे शोकाकुल परिवेश। विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुत होता छत्तीसगढ़ में चार दिन मध्य आउ एक नक्सल आक्रमण। माओ उपद्रुत दांतेवाड़ा जिले में मंगलवार नक्सल माने आक्रमण कर जिलार अन्नपुर दांतेवाड़ा रोड रे नक्सल आक्रमण में दुई पुलिसकर्मी शहीद होगा सह न्यूज कवरेज जा दूरदर्शन टीम जड़े क्यमेरामैन मृत्यु हो प्राण हर क्यमेरामैन जनक होती बलांगीर जिला लोईसिंघा घुसरामुंडा गांवर अच्युतानंद साहू। सीआरपीएफ कैंप ठारु मात्र किछि दूर रे नक्सल माने आक्रमण करथिले। निर्वाचन संपर्कित खबर कवर पई दिल्ली रु आसीथिबा डीडी न्यूज चैनल क्रू सकाळे प्रथमे एसपी अभिषेक पलम को साक्षात्कार नैथिले। परे अन्नपुर दांतेवाड़ा रोड रो नीलभय आड़ को जाउथुवा बेले नक्सल को आक्रमण रो शिकार होइथिले। आक्रमण रे शहीद होइथिबा दुई पुलिस कर्मी हेले सब इन्स्पेक्टर रुद्र प्रताप ओ असिस्टेंट कांस्टेबल मंगलू। आक्रमण रे अन्य दुई पुलिस कर्मी आहत होछंती। तबे डीडी न्यूज रो रिपोर्टर और लाइट असिस्टेंट सुरक्षित अछंती। मीडिया कर्मी को गोली मार दी गई। बाकी दो मीडिया कर्मी पे पहले बस फायर किया गया, जमीन पे लेट के जब डेंग के जाने लगे तो उनके ऊपर दो ग्रेनेड फेंका गया। एक लाइव ग्रेनेड है जो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है। रास्ते भर में चार आईडी हमने रिकवर किए हैं, 450 मीटर तार रिकवर किया है। करीब 250 से 300 नक्सली थे। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी यहाँ आने वाली थी तो एक बहुत बड़ी घटना जैसे कि बुड़कापाल हुआ था वैसा रिपीट करने की कोशिश थी। एम्बुश के दौरान हमारा एक सब इंस्पेक्टर है और एक सहायक आरक्षक शहीद हो गए। साथ में दूरदर्शन के एक मीडिया टीम का कैमरामैन अच्युतानंद वो भी इस घटना में शहीद हो गए हैं और दो अन्य हमारे साथी लोग घायल हुआ है। घायलों का भी दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में इलाज जारी है। आवश्यकता पड़ने से उनका दंतेवाड़ा से रायपुर एयरलिफ्ट की जाएगा। आसपास क्षेत्र में हमारा रीइन्फोर्समेंट पार्टी पहुंच गई है, लगातार भी एरिया का डोमिनेट करके सर्चिंग की जा रही है। उसके ऊपर सीधे फायरिंग हुई थी और वो फायरिंग उधर से हमारे तक वो फायरिंग आई, हमारे तक भी फायरिंग आई, लेकिन हमने क्या किया कि हम जो बाइक से उतरने के बाद हम गिर गए तो हम गिर के गड्ढे में चले गए और गड्ढे में जाके हम लोग लेट गए और 45 मिनट तक हमने उस मंजर को देखा जिसमें हमारे सर के ऊपर से लगभग 50 राउंड गोली ग्रेनेड आसपास 10 फीट की दूरी पर बम ये सब फूटे। लाल हिंसा रे अच्युतानंद मृत्यु पर जन्म माटी बलांगीर घुसरामुंडा गाँव में शोकाकुल परिवेश। भारतीय सेनारु स्वेच्छाकृत अवसर नेबा परे 2012 कटक विजु पटनायक फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट रु पास करी विभिन्न गणमाध्यम रे कार्य करथिले अच्युतानंद। या परे 2013 से दूरदर्शन रे जोग देथिले। प्राय वर्ष तले विवाह करी दिल्ली रे रहुथिले अच्युतानंद। तांकर अकाल वियोग परे स्त्री बापा मां और भाई भौनी भांगी पड़िछंती। एबे त हमे समते एते पहुंची गेलु हम गां को, खाली तांकर मिसेस दिल्ली रे अछंती आउ तांकर बड़ बापा बड़ माँ भी दौरान से घर को जाकर आश्वासना देकर से धरिक आसवे आम गाँव को आस कथा सत आम अंतिम संस्कार आम गाँव में करूँ से आने से चेष्टा कर। भाई का नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा डेयरिंग नेचर का था, क्योंकि लिए पहले ये आर्मी में थे, उसके बाद वो GRS में किस साल काम किया था और दिल्ली दूरदर्शन में 2013 में 5-7 साल हो गया और ये दुखद घटना है गांव के लिए अंचल के लिए। गत शनिवार बीजापुर जिला रे लैंडमाइन लगाई सीआरपीएफ रो एक गाड़ी कुडाई देथिला लाल बाहिनी जेउथिरे शहीद होइथिले चार जवान। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय आसंता 12 तारीख रे 8 नक्सल उपद्रुत जिलार 18 आसन ने मतदान हेबो। यार मात्र 2 सप्ताह पूर्व नक्सल को 2-2 आक्रमण प्रशासन रो निद हो जाय देछि। ब्यूरो रिपोर्ट सह बलांगीर घुसरामुंडा रु चंद्रभानु मोलना न्यूज 18 ओडिया। नक्सल आक्रमण को केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान निंदा करिछन्ति। तीन जणंकर मृत्यु रे से मर्माहत, तेबे देश विरोधी शक्ति को सफल हेबाकु दियाजिव नाही बोली कहिछन्ति धर्मेन्द्र। अच्युतानंदंक समेत शहीद को परिवार प्रति संवेदना जणाइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमन सिंह, कांग्रेस सभापति राहुल गांधी और केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मध्य लाल हिंसा को कड़ा निंदा करिछन्ति। ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं, वो
वो चाहे पेपर प्रेस के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, कांग्रेस बीजेपी, उससे फर्क नहीं, उनके लिए तो सिर्फ समाचार बनाने का है। और यही हिंसा के खिलाफ तो हम लगातार लड़ रहे हैं। दूरदर्शन के जो कैमरामैन है उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उनके उसमें जान गई है, उनके परिवार के साथ हम सभी आज खड़े हैं। इस मुश्किल वक्त पर हम उनके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। कटक वकिल गंडगोल घटन ताती हाइकोर्ट बार एसोसिएशन आसंता हाइकोर्ट समेत सब् बार एसोसिएशन सम्मुखें जोरदार विक्षोभ करने को एसोसिएशन निष्पत्ति सहित कार्य जोगदेक उद्यम कर चार वरिष्ठ आईनजीवी विरुद्ध कार्यानुष्ठान एसोसिएशन सभापति पुलिस कमिश्नर सीसीटीवी फुटेज आधार में एक्शन सेपटे मूल घटना आईनजीवी देवी प्रसन्न पट्टनायक माड़ मामलें पांच दिन भितर तदंत शेष करने को निर्देश देते हाइकोर्ट। कटकरे ओकिल आंदोलन हिंसा घटनार मूल मामलें हाइकोर्टों गुरुत्वपूर्ण राय आईनजीवी देवी प्रसन्न पट्टनायक पुलिस माड़ मामलार तदंत पांच दिन भितर शेष करने को निर्देश देते हाइकोर्ट। जस्टिस चित्तरंजन दास दैनंदिन भित्तिर मामलार अनुध्यान करे हाइकोर्टों निर्देश में उल्लेख कर जे असुस्थता जो छुट्टी अच्छा तदंतकारी अधिकारी अरुण बोथ्रा छुट्टी फेर पर से तुरंत तदंत शेष करे मामलार परवर्ती शुणी नवेम्बर 9 में सेपटे दुई गोष्ठी वकिलों गंडगोल घटन कठोर होइछि हाइकोर्ट बार एसोसिएशन एसोसिएशन निष्पत्ति बुधवार हाइकोर्ट बार एसोसिएशन सह राज्यर समस्त बार एसोसिएशन कार्यालय आगे विक्षोभ कर एसोसिएशन निष्पत्ति विरोध में जा कार्य जोगदेक उद्यम कर चारिज आईनजीवी विरोध में कार्यानुष्ठान एसोसिएशन सभापति श्रीकांत नायक सेने बीजेडी लीगल सेल मुख्य मिलन कानुनगो उपदेष्टा असीम अमिताभ दास वरिष्ठ आईनजीवी टहली महांति एवं वंशीधर शतपथी चीफ जस्टिस कहले ना से पांच दिन भितर से रिपोर्ट प्रदान करेंगे सी जो इन्वेस्टिगेशन कर सेटा डायरेक्ट सुपर अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए सिटिंग जज विचारपति हम तापर बर्तमान परवर्ती जहाँ करवा कथा अर्डर करवा कथा से केस 9 तारीख दिन पुणी शुणी आसवे कथा वकिलों पुलिस माड़ घटन दुई मास धरी आंदोलन चल आईनजीवी आज आंदोलन जारी रखिंट आज कौन प्रकार अप्रीतिकर स्थित उपजिना पुलिस कमिशनर कहते गंडगोल घटनार सीसीटीवी फुटेज अनुध्यान प्रमाण मिले गंडगोलकारी विरोध में कार्यानुष्ठान सेपटे कार्यरत कनेबल को आक्रमण निंदा करवलदार कनेबल सिपाही महासंघ का जो घटना होता से उपरे जो केस गुड़िक तदंतकारी अफिसर तापर तर्जमा कर सीसीटीवी फुटेज को देखिछु एवं से हिसाब से जो माने संपृक्त अच्छा विरुद्ध कार्यानुष्ठान ड्यूटी करने हाइकोर्ट मान्यवर हाइकोर्ट आमको पास आमको पास पास आक्रमण कले तेणु से आक्रमण को आम दृढ़ भाव कांस्टेबल हाविलदार महासंघ तरफ निंदा कर दुई गोष्ठी वकिलों भितर शीतल युद्ध एवं भी थमी ना हाइकोर्ट बार एसोसिएशन निष्पत्ति परे एहा अधिक तेजीबा आशंका करा जाउछि परिस्थिति देखि हाइकोर्ट परिसर रे एबे भी फोर्स मुतयन रहिछन्ति। कटकरु कैमरा पर्सन आशीष ओ दुवेन्दुंक सह नवेश महांती ओ अजय दास न्यूज 18 ओडिया। प्रथमे दलीय पद आवाजि विधायक पद कोरापुट विधायक पदरु इस्तफा घोषणा कले कृष्णचंद्र सगरिया कुंदुली दुष्कर्म पीड़िताक न्याय न मिलिबारु इस्तफा घोषणा करिछन्ति कांग्रेस विधायक हेलवाचस्पति भुवनेश्वर नथिबारु ग्रहण हैनी इस्तफा कृष्णचंद्र विधायक पद छाड़ीबा दल पई शक्त धक्का बोली कहिछन्ति कांग्रेस विधायक सेबडे पीसीसी सभापति कहिछन्ति विधायकों सहित से आलोचना करिबे। कुंदुली दुष्कर्म घटनारे पीड़िताक न्याय मिलिलानी तेणु जनप्रतिनिधि भावरे पदरे रहिबा उचित नुहे कुंदुली पीड़िता जनजागरण सृष्टि करने को कोरापुट विधायक पदर इस्तफा देवा घोषणा कर कृष्णचंद्र सगरिया हेले से कांग्रेस से रही काम करे आगामी निर्वाचन में जदि दल तरफ विधायक टिकेट मिले ताहले से विचार करेंगे कांग्रेस एससीएल अध्यक्ष पदर हटा पूर्व दलर साधारण संपादक पदवी छाड़ी सगरिया
ଏଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରହଣ ହୋଇନି ଇସ୍ତଫା। ସେବେଳେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନର ଧାରା 168 ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ହାତରେ ଲେଖି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସଗରିଆ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଟାଇପ୍ କରି ନେଇଥିବାରୁ ବିଧାନସଭା ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ସଗରିଆ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ହାତଲେଖା ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜି ସ୍ପିକର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସିଧା ହାତରେ ଦେବି। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ସଗରିଆ। ସେହିପରି ପିସିସି ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଦପଦବୀରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ସେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସଗରିଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆ ତା ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ କଥା କହିବେ। ମୋ ସହିତ କାହାର ମନମାଳିନ ନାହିଁ, କାହା ମନ ସହିତ ମୁଁ ନାହିଁ, କି ମୋ ମନ ସହିତ କିଏ ନାହିଁ, ମା କାହା ସହିତ ମୁଁ ମନମାଳିନ ନୁହଁ। ଇଏ ଡେଫିନେଟଲି ପାର୍ଟି ସକାଶେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ବ୍ୟାକ୍, ଏବଂ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇକରି ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, ଇଏ ଡେଫିନେଟଲି ଦୁଃଖର ବିଷୟ କାହିଁକି ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ହେବା କଥା ହେଇଛି, ହୁଏତ ତାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇନି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 2014 କଂଗ୍ରେସର 16 ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଦଳ। ତେବେ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସଗରିଆଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 14 ଖସିବ, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭୂତି ରଣା, ମଳୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।